नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 24वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 24वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, यशस्वी जायसवाल और पिछले मुकाबले में राजस्थान के लिए शतक लगाने वाले जॉस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही गुजरात की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल की इस बल्लेबाजी की वजह से राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी अब 32 रनों पर पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए उमेश यादव ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को मैथ्यू वेट के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 19 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे राजस्थान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जॉस बटलर को राशिद खान ने राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉस बटलर 10 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। गुजरात की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रियान पराग मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसंग और रियान पराग ने गुजरात की खतरनाक गेंदबाजी के ऊपर पलटवार करना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में रियान पराग खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद को रियान पराग ने दो गजब के छक्के लगा दिए थे। रियान पराग की इस बल्लेबाज ने अब गुजरात की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था, तो वही दूसरे छोर से अब कप्तान संजू सैमसन भी बड़े शॉट खेलने लगे थे। रियान पराग अब फिर एक बार राजस्थान की टीम के लिए एक सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे थे और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों की गजब की बल्लेबाजी ने अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को तक परेशानी में डाल दिया था और फिर पारी के 14वें ओवर में मोहित शर्मा को एक गजब का छक्का लगाते हुए रियान पराग ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रियान पराग जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को कमजोर समझना अब गुजरात की गेंदबाजी को महंगा पड़ने लगा था। गुजरात के पास मोहित शर्मा और राशिद खान जैसे दिग्गज गेंदबाज थे, लेकिन इसके बावजूद रियान पराग और संजू सैमसन की साझेदारी को कोई भी गुजरात का गेंदबाज तोड़ नहीं पा रहा था। रियान पराग और संजू सैमसन की यह जोड़ी लगातार गुजरात की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रही थी। अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह दबाव में थे। राजस्थान की इस जोड़ी ने यह मुकाबला ही बदल दिया था और फिर इसी बीच संजू सैमसन और रियान पराग के बीच 100 रनों की गजब की साझेदारी पूरी हो गई। मुकाबला पूरी तरह राजस्थान के बल्लेबाजों के कब्जे में था। कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे और फिर इसी बीच एक और चौका लगाते हुए राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। संजू सैमसन और रियान पराग की इस गजब की पारियों की वजह से गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के ऊपर दबाव इतना ज्यादा था कि वह मैदान में ही गुस्सा होते हुए साफ दिख रहे थे। कप्तान संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर अब अपनी टीम को 130 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मोहित शर्मा ने रियान पराग को विजय शंकर के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 48 गेंदों में 76 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। रियान पराग अब अपना काम बखूबी करके आउट हो चुके थे। अब राजस्थान की टीम को एक लाजवाब फिनिश की जरूरत थी और फिर बल्लेबाजी पर आए सिमरन हिटमायर ने अंत के ओवर में कप्तान संजू सैमसन के साथ मिलकर गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और आखिरी ओवर में दो अद्भुत छक्के लगाते हुए 17 रन बना लिए और इसी के चलते राजस्थान की टीम ने 196 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 197 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी
और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही राजस्थान की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया था। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की यह ओपनिंग जोड़ी गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। खास करके गुजरात के कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का छठा ओवर डालने आए आवेश खान की इस ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया। इस साझेदारी ने अब राजस्थान की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था और फिर इसी बीच साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के बीच 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर अब अपनी टीम को 64 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी पारी का नौवां ओवर डालने आए कुलदीप सेन ने सेट हो चुके साई सुदर्शन को LBW आउट कर दिया। साई सुदर्शन 29 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से मैथ्यू वेड को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए विकेट निकालने वाले कुलदीप सेन ने इस ओवर में कमाल करके दिखाया और बल्लेबाजी के लिए आए मैथ्यू वेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ्यू वेड 6 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही कुलदीप सेन यहीं पर नहीं रुके और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए अभिनव मनोहर को भी अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिनव मनोहर 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान के इस तेज गेंदबाज ने एक ही ओवर में गुजरात की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए थे। गुजरात की टीम ने अब केवल 79 रनों पर अपने टॉप के 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए विजय शंकर मैदान में उतरे और फिर यहां से विजय शंकर और कप्तान शुभमन गिल ने गुजरात की टीम को आगे बढ़ाना जारी रखा। इसी बीच गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले में लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ही अकेले राजस्थान की गेंदबाजी के सामने टक्कर दे पा रहे थे और फिर तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विजय शंकर को युजवेंद्र चहल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। विजय शंकर 10 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार गुजरात की टीम के ऊपर बढ़ रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया मैदान में उतरे थे लेकिन तभी पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल को उनकी पहली 2 गेंदों पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने 2 गजब के चौके लगा दिए थे। लेकिन फिर इसी ओवर की 3री गेंद पर युजवेंद्र चहल ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 44 गेंदों में 72 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल का विकेट राजस्थान की गेंदबाजी के लिए इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता थी। अब गुजरात की टीम की तरफ से शाहरुख खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था जहां पर गुजरात को जीत के लिए 59 रन चाहिए थे। और फिर इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी पर शाहरुख खान और राहुल तेवतिया ने बड़े शॉट खेले और रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर में 17 रन गुजरात को मिले, जिस वजह से अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 42 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर आवेश खान को डालने दिया गया लेकिन आवेश खान ने अपने इस ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान को LBW आउट कर दिया। शाहरुख खान 8 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही आवेश खान की इस ओवर में गुजरात को 7 ही रन मिले। अब गुजरात को 12 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला था। अब बल्लेबाजी के लिए राशिद खान मैदान में उतरे थे लेकिन इस पारी का 19वां ओवर कुलदीप सेन को डालने दिया गया। लेकिन इस मुकाबले में एक समय पर राजस्थान को बचाने वाले कुलदीप सेन ने इस ओवर में बहुत ही खराब गेंदबाजी कर दी और इस ओवर में राहुल तेवतिया और राशिद खान ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में गुजरात की टीम को 20 रन मिल गए। अब इस मुकाबले के आखिरी और निर्णायक ओवर में गुजरात को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। इस मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था। अब इस पारी का निर्णायक अंतिम ओवर आवेश खान डालने आए। अब स्ट्राइक पर राशिद खान थे और राशिद खान ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर गजब का चौका लगा दिया। अब गुजरात को जीत के लिए 5 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। मुकाबला हर एक गेंद के बाद और भी ज्यादा रोमांचक हो रहा था लेकिन आवेश खान की इस ओवर की 2री गेंद पर राशिद खान को 2 ही रन मिले। अब गुजरात को जीत के लिए 4 गेंदों में 9 रन चाहिए थे लेकिन राशिद खान अभी भी स्ट्राइक पर थे और फिर राशिद खान ने इस ओवर की 3री गेंद पर फिर एक बार एक शानदार चौका लगा दिया। राशिद खान की बल्लेबाजी ने राजस्थान के पसीने छुड़ा दिए थे लेकिन अब 3 गेंदों में गुजरात को 5 रन चाहिए थे। अब यह मुकाबला रोमांच की चरम सीमा पर था और फिर इस ओवर की 4थी गेंद पर राशिद खान ने 1 रन ले लिया। अब राहुल तेवतिया स्ट्राइक पर थे, गुजरात को 2 गेंदों में 4 रन चाहिए थे और राहुल तेवतिया ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन ले लिए लेकिन 3रा रन लेने के चक्कर में राहुल तेवतिया रन आउट हो गए।
राहुल तेवतिया 11 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला आखिरी गेंद पर जा पहुंचा था। अब गुजरात को आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर राशिद खान फिर एक बार आ चुके थे और फिर गेंदबाजी डाल रहे आवेश खान को राशिद खान ने अंतिम गेंद पर एक गजब का चौका लगा दिया और इसी के साथ गुजरात की टीम ने इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। दोस्तों, एक समय पर इस मुकाबले को पूरी तरह हार चुकी गुजरात की टीम ने अंत में राशिद खान की गजब की पारी की बदौलत इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, राशिद खान ने अंत में आकर इस मुकाबले में 11 गेंदों में 24 रनों की धमाकेदार पारी खेली, तो वहीं गेंदबाजी के वक्त राशिद खान ने जॉस बटलर का सबसे बड़ा विकेट निकाला। राशिद खान गुजरात की टीम के लिए इस मुकाबले में असली हीरो साबित हुए और राशिद खान की इसी अद्भुत पारी के बदौलत गुजरात की टीम यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप राशिद खान की इस लाजवाब अंतिम ओवर में बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।